नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड यूकेजी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट स्टोरी। टॉपिक द थर्स्टी क्रो। स्टैंडर्ड यूकेजी सब्जेक्ट स्टोरी। टॉपिक द थर्स्टी क्रो, यानी कि मैं आज आप सबको थर्स्टी क्रो की स्टोरी सिखाने जा रही हूँ। तो पहले मैं आप सबको इसका फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ। फ्लैश कार्ड के जरिए आप सभी स्टोरी के हार्ड वर्ड्स को प्रॉपरली रीड कर पाएंगे। तो पहले आप सब इसका फ्लैश कार्ड देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? सन्नी। ओके। और होट। ये क्या लिखा हुआ है? थर्स्टी। थर्स्टी। ओके, वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? क्रो। ये क्या लिखा हुआ है? क्रो। अब देखिए प्रॉपरली, लुकिंग। क्या लिखा है? लुकिंग। अब ये देखिए, वॉटर। अब ये देखिए फ्लैश कार्ड, सर्च। और ये है हमारा पॉट। ये क्या लिखा है? लिटल। रीच। ड्रंक। ये सभी ये स्टोरी के हार्ड वर्ड्स है। हार्ड वर्ड्स के रीड करते ही हम ये स्टोरी प्रॉपरली रीड कर पाएंगे। तो पहले मैं आप सबको ये स्टोरी कैसे रीड करनी है वो दिखाती हूँ। तो आप सब देखिए पहले। इट वॉज ए हॉट सनी डे। इट वॉज ए हॉट सनी डे। ए थर्स्टी क्रो। ए थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग फॉर वॉटर। वॉज लुकिंग फॉर वॉटर। He searched for a long time. He searched for a long time. At last, he saw a tall pot. It saw a tall pot with very little water. Very little water. It tries to drink. It tried to drink, but could not reach the water. Could not reach the water. It started thinking. The crow drank the water.
हमने आपको स्टोरी रीड करके दिखाई। अब इस स्टोरी को मैं आपके सामने एक्शन के साथ दिखाती हूँ, तो आपको ये प्रॉपरली याद रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज ए हॉट सनी डे, ए थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग फॉर ए वॉटर, सर्च फॉर ए लॉन्ग टाइम, एट लास्ट इट सो ए टॉल पॉट विथ वेरी लिटल वॉटर, इट ट्राइज टू ड्रिंक बट कुड नॉट रीच द वॉटर, इट स्टार्टेड थिंकिंग and came up with an idea. It saw some stones nearby. It collected them and dropped them into the pot. Water came up. Crow drank the water and flew away happily. The moral of the story is where there is a wheel, there is a way. Okay students, अब मैं ये स्टोरी आपको पिक्चर कार्ड के साथ दिखाती हूँ, तो पहले देखिए सब, ये क्रो है वो वॉटर की तलाश में यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर देखता है। बहुत सनी डे है, बहुत गर्मी है, तो क्रो बहुत थर्स्टी हुआ है, इसलिए वो पानी को ढूंढ रहा है पर कहीं भी पानी मिल नहीं रहा है। अंत में एक पॉट उसने देखा, क्या देखा, घड़ा यानी कि पॉट यानी घड़ा देखा, उसमें थोड़ा पानी था, क्या था, थोड़ा पानी था, पर पानी बहुत नीचे था, तो क्रो इससे ड्रिंक नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसने एक आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया उसने, आइडिया लगाया, इधर उधर देखा तो सम स्टोन्स पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, तो उसने ये पत्थर को इकट्ठा किया, क्या किया, इकट्ठा किया यानी कि कलेक्ट किया, और ये वन बाय वन पत्थर उसने पोट में डाला, तो पानी कहाँ, ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आते ही क्रो ने ये पानी पी लिया और खुश होते हुए वो फिर अपनी फ्लाई अप कर गया। तो ये स्टोरी हिंदी में आपको कैसे दिखाती हूँ सुनिए पहले। ओके वेरी गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आज मैं ये स्टोरी आपको फिर हिंदी में समझाती हूँ, तो पहले सुनिए। गर्मी के दिन थे और एक कौवा बहुत प्यासा था, उसको बहुत जोरों से प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था पर कहीं भी उसे पानी मिल नहीं रहा था, तो देखते देखते उसने एक घड़ा देखा यानी कि पोट देखा, पोट में उसने थोड़ा सा पानी देखा पर पानी कहाँ पे था, बहुत नीचे था पानी, वो अपने आप इसे ले नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या करूँ तो पानी ऊपर आ जाए और मैं ये पानी पी सकूँ और अपनी प्यास बुझा सकूँ। तो कौवे ने इधर उधर देखा तो थोड़े पत्थर नीचे पड़े हुए थे, तो कुए ने इस पत्थर को कलेक्ट कर लिया और वन बाय वन इस पत्थर को पोट में डाला, तो पोट में पत्थर को डालते ही पोट का पानी ऊपर आने लगा, तो कौवे ने ये पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और खुश होकर वो उड़ गया। तो इस तरह कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी काम हम अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।
फॉर जॉइनिंग अस।